हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही डिलीशियस रेसिपी जो कि है रेड सॉस पास्ता। ये हम बहुत ही यूनिक तरीके से और बहुत सारी वेजिटेबल्स यूज़ करके बनाने वाले हैं। आई एम श्योर यह रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले हम लेंगे अपना पेनी पास्ता। आप किसी भी शेप का पास्ता ले सकते हैं, हमने यहाँ पे पानी पास्ता लिया है। सबसे पहले हम पानी लेंगे, पानी के अंदर नमक डाल के उबाल लेंगे। जब हमारा पानी उबल जाए तो हम अपने पास्ता को डाल देंगे और अपने पास्ता को 7 से 8 मिनट के लिए उबाल लेंगे। हमने पास्ता को ज़्यादा बॉईल नहीं करना, हमने बस 70-80% पास्ता को बॉईल करना है ताकि वह सॉफ्ट हो जाए। पास्ता के उबल जाने के बाद हम पास्ता से पानी निकाल देंगे, थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे और ड्रेन कर देंगे। हमने पास्ता के लिए वेजिटेबल्स लिए हैं, बीन्स लिए हैं, गाजर लिए हैं, प्याज लिया है, लहसुन लिया है, हरी मिर्च लिए और थोड़ी सी स्वीट कॉर्न लिए। आप कोई भी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हो जो आपके घर पे अवेलेबल हो। अब हम कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालेंगे और अपने लहसुन और हरी मिर्च को सॉटे कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। लहसुन और हरी मिर्च को सॉटे करने के बाद हम प्याज डालेंगे, गाजर डालेंगे और बीन्स डालेंगे और इनको भी सॉटे कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। सब्जियां सॉटे होने के बाद हम स्वीट कॉर्न डालेंगे और स्वीट कॉर्न को भी थोड़ा सा पकाएंगे और फिर हम ढक्कन बंद करके रख देंगे और 1-2 मिनट के लिए अपनी सब्जियों को पकाने छोड़ देंगे। नेक्स्ट हम टमाटो प्यूरे डालेंगे। आप चाहे तो साथ में शेजवान चटनी या टमाटो केचप भी डाल सकते हैं, हम बस टमाटो प्यूरे यूज़ कर रहे हैं। टमाटो प्यूरे आप अपनी पास्ता की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डालेंगे। अगर आप ज़्यादा पास्ता बना रहे हैं तो आप ज़्यादा टमाटो प्यूरे डालेंगे। टमाटो प्यूरे डालने के बाद हम रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे, ये हमारी होममेड है। नेक्स्ट हम ऑरिगेनो डालेंगे, मिक्स हर्ब्स डालेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। फिर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। अगर आप ड्राई पास्ता पसंद करते हैं तो आप पानी स्किप कर सकते हैं। फिर अच्छे से मिक्स करने के बाद हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, काली मिर्च डालेंगे और कंबाइन कर लेंगे सबको। फिर हम 1 से 2 मिनट के लिए हम अपने ग्रेवी को पकने देंगे। थोड़ा सा पकाने के बाद हमारी रेड सॉस रेडी है। रेड सॉस रेडी होने के बाद हम अपने पास्ता को रेड सॉस में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स हम इस तरीके से करेंगे कि हमारा पास्ता टूटे ना। हम बहुत हल्के हाथों से अपने पास्ता को मिक्स करेंगे रेड सॉस के साथ। अपने पास्ता को रेड सॉस के साथ कंबाइन करने के बाद हम 1 से 2 मिनट तक के लिए अपने पास्ता को बनने देंगे मीडियम फ्लेम पे। ज़्यादा देर इसको नहीं रखेंगे, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, सिर्फ 1 से 2 मिनट तक कुक करेंगे। 1-2 मिनट पकाने के बाद हमारा रेड सॉस पास्ता रेडी है। ये बिल्कुल ही इंस्टेंट रेसिपी है, क्विक रेसिपी है और बहुत ही ईजी रेसिपी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। हमने थोड़ा ऊपर से धनिया डाला है, आप चाहे तो चीज़ भी डाल सकते हैं। इसी के साथ हमारा रेड सॉस इंडियन स्टाइल पास्ता रेडी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये पास्ता की रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। थैंक यू।